बच्चों अब हम करेंगे टॉपिक नंबर फोर्थ, जिसके अंदर में क्या टॉपिक है देखिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हमें एक थ्योरम करनी है। थ्योरम है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वो ये कहते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल अगर गिवन हो तो आपके पास जो भी इसके एंगल्स होंगे तीनों, अगर आप उनको जोड़ दो तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमें इसको प्रूव करना है। चलो कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो पहले हम एंगल्स के नाम रख लेते हैं कुछ, कि मान लो ये एंगल वन, ये एंगल टू और ये एंगल थ्री, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि भाई एंगल वन टू थ्री हमारे पास क्या सम में, कि हम ऐसे लिखेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल वन प्लस में एंगल टू प्लस में एंगल थ्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक ऐसे, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मान लो कि ए बी, ठीक है। तो ये मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, क्या करी ए बी लाइन, क्या करी किसके पैरेलल, क्यू आर के। एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने ए बी, जो कि क्या है क्यू आर के पैरेलल है। ओके जी, देन देखो ये भी कुछ एंगल बना रही है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे इसने एंगल बनाया एक तो ये, ओके, और एक ये, ठीक है जी। तो एक दो तीन तो है ही हमारे पास, एक एंगल फोर और एक एंगल फाइव मैंने इसका नाम रख लिया है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक ट्रायंगल लिया और हमें प्रूव करना है कि एंगल वन प्लस टू एंगल थ्री, हमारे पास इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक इस पॉइंट पे पी पे एक पैरेलल लाइन बना दी, ठीक है, किसके, क्यू आर के। ओके जी, देन हमारे पास ये दो एंगल आ गए 5 और 4, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर ए बी पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, कि भाई अगर ए बी पैरेलल है क्यू आर के तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल टू, ये एंगल इसके इक्वल होगा। बच्चों क्यों होगा, कि अगर हमने पढ़ा था भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसको ये देखो, ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों पी क्या ट्रांसवर्सल होगी ना, ठीक है जी। ऐसे हम एंगल 5 और 3, ठीक है, ये 5 और ये 3, ये भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे भाई, सेम रीजन, दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि सेम रीजन, ये भी हमारे इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो अब बात आती है कि चलो 4 इक्वल टू 2 और 5 इक्वल टू 3, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास जो एंगल है, हम बोलेंगे एज ए बी इज अ लाइन, ए बी हमारे पास एक लाइन है, तो हम ये कह रहे हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ठीक है, ये वाला एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। बच्चों क्यों होगा, हमारे पास ये लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है ना, एक लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं, हमने क्या कहा था एक पॉइंट पे, तो सारों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है जी। ओके, अब बात आती है कि देखो हमारे पास 4 किसके इक्वल है, 2 के, तो मैं 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1 और 2 लिख लीजिए, ऐसे 1 और 2 नाम दीजिए, ठीक है। देन ये एंगल 1 प्लस में 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहाँ से, फ्रॉम 1 और 2 से। ओके जी, इसको रीऑर्डर कर दो दोबारा से, 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1, 2, 3 क्या है बच्चों, ट्रायंगल के हमारे एंगल्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1, 2 और 3 आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, देन हम क्या कहेंगे, हैंस भाई हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव कि जो सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल चार पांच लाइन का स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बस हो जाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है हमारे पास लास्ट, उसे करते इसके क्वेश्चंस देखते, कोई भी डाउट हो उसे डिस्कस करेंगे, एंड आपको भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय।